हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा पूर्ण मूर्ति ग्लोबल स्कूल की अध्यापिका आज आपको कक्षा छठी का संस्कृत विषय का द्वितीय पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है शब्द परिचय। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। शब्द परिचय। ऐशा का, यह क्या है? ऐशा दोला, यह झूला है। दोला का अर्थ होता है झूला। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति, उपवने का अर्थ होता है बाग, झूला बाग में है। सा का, वह क्या है? सा घटिका, घटिका का अर्थ होता है घड़ी, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, सूचयति का अर्थ होता बताना। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है? घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। ऐते के, ये दो कौन हैं? किम ऐते कोकिले, क्या ये दो कोयल हैं? नहीं, ऐते चटके, ये दो चिड़िया हैं। चटके किम कुरुत है, दो चिड़िया क्या कर रही हैं? ऐते वीरत है, ये दोनों घूम रही हैं। ते के, वे दोनों कौन हैं? ते चालिके स्तः, वे दोनों चालिकाएं हैं। ते किम कुरुत है, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालियत है, वे दोनों वाहन चला रही हैं। ऐता का, ये क्या है? ऐता स्थालिका, स्थालिका का अर्थ होता है थालियाँ, ये थालियाँ हैं। किम ऐते गोलाकार है, क्या ये गोल आकार की हैं? आम, हाँ, ऐता गोलाकार एव, ये गोल आकार की ही हैं। ता का, वे कौन हैं? ता अजा, वे बकरियां हैं। ता किम कुर्वन्ती, वे क्या कर रही हैं? ता चरन्ती, वे चर रही हैं। हमारा पाठ दो पूरा हुआ, अब हम अभ्यास देखते हैं। ये शब्द अर्थ दे रखे हैं। ये आगे एक है भाग, इसका चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यते, चित्रों को देखकर इनका उच्चारण करना है। जैसे लिख रखा है सूचिका, पिपीलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका और वीणा। आगे है ये वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखते हैं, वर्णों को जोड़ के और कोष्ठक में लिखना है। जैसे ऊपर वाले में दे रखा है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, ऐसे ही करना है, इनको जोड़ के लिखना है। अब खै भाग है, पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शित है, इनको अलग करके लिखना है। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखते, चित्रों को देखकर संस्कृत पद में लिखना है। जैसे ये क्या है, मेज, तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? उत्पीठिका। और ये क्या है? संदूक, इसको क्या कहेंगे संस्कृत में? पेटिका। और ये नाव है, नाव को क्या कहेंगे? नौका। चिड़िया को चटका। और जो औरत होती है, बूढ़ी औरत, उसको क्या कहेंगे? वृद्धा। और जो स्केल होता है फुटा, उसको क्या कहेंगे हम? मापिका। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यते, वचन के अनुसार खाली स्थान भरने हैं। ये जैसे ये दे रखा उदाहरण, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में है, लता लते लता, ऐसे ही गीता का क्या होगा? गीता गीते गीता। और पेटिका पेटिके पेटिका। खटवा खटवे खटवा। सा ते ता। रोटिका रोटिके रोटिका। प्रश्न नंबर 5 है, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत है, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है, पढ़ती, पढ़ती के साथ क्या आएगा? बालिका पढ़ती।
चरत है, चरत के साथ आएगा अजे चरत है, संति के साथ आएगा द्वि चक्री कहा, और चलती के साथ आएगा नौका, नौका चलती, अस्ति के साथ आएगा सूचिका, उत्पन्न उत्पतंती इसके साथ आएगा मक्षिका। ऐसे ही ये दे रखे हैं सा ते ता इत्येतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरियत है। ये सा ते ता इनको इनको चुनकर और खाली स्थान में भरना है उचित सर्वनाम पद को। लता अस्ति सा अस्ति, जैसे लता एक है तो एक वचन के साथ सा आएगा, द्विवचन के साथ आएगा ते और बहुवचन के साथ आएगा ता। महिला धावंती, तो महिला महिला ये बहुवचन शब्द है तो इसके साथ आएगा ता। सुधा वदती, इसके साथ ये एक ही लड़की है का नाम है सुधा, उसके साथ आएगा सा। जवनी के दौलते हैं, तो जवनी के यहाँ पे बहु द्विवचन के लिए प्रयोग किया गया तो इसमें आएगा ते। पिपीली कहा चलंती, यहाँ पे बहुवचन के लिए हुआ है तो ता आएगा इसके साथ। चटके कूजते हैं, इसमें आएगा चटके, द्विवचन के लिए प्रयोग हुआ तो ते आएगा इसमें। मंजूषात कृत्री पदम चित्वार के स्थानानि पूर्यत, ये बॉक्स से खाली स्थान भरने हैं तो पुष्पमाला संति, पश्यति के साथ क्या आएगा बालक है पश्यति, लिखति के साथ क्या आएगा लेखिका लिखती, गर्जंती के साथ क्या आएगा सिंहा गर्जंती, और चलती के साथ द्विचक्रिका चलती। आगे प्रश्न नंबर 8 दे रखा, मंजूषात है क्रिया पदानुसारम क्रिया पदम चित्वार के स्थानानि पूर्यत है, ये मंजूषात से चुनकर बॉक्स से और कृत्री पद जो क्रियापद हैं कृत्री पदानुसार कर्ता के अनुसार क्रियापदों को चुनकर लिखना। सौम्या, जैसे सौम्या क्या करती है नृत्यति नाचती है। चटके विहरत है, चिड़िया घूमती है। बालिके गायते है, लड़की गाती है। छात्रः लिखंती, और लड़कियां लिखती हैं। जनाः पश्यन्ति, लोग देखते हैं। ये हमारा अध्याय पूरा हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।